नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज हम भारत के महान सम्राट सम्राट अशोका, इनके द्वारा धम्म दीक्षा यानी धम्म को ग्रहण करने के उपलक्ष्य में बाबा साहब द्वारा 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि पर भारत के 5 लाख से अधिक लोगों को एक साथ धम्म दीक्षा देने के उपलक्ष्य में और इस भारत के भूभाग पर एक ऐसे महामानव तथागत सम्यक संबुद्ध हुए जिनके द्वारा ये धम्म शोध किया गया और उस धम्म को मानव मात्र के कल्याण के लिए, आम जनता के सुख समृद्धि के लिए, जनता के दुख से मुक्ति के लिए दिया गया एक वरदान है। और उस बात को हम आगे बढ़ाते हुए आज के दिन का क्या महत्व है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हम अच्छाई की प्रशंसा करें, अच्छाई की प्रशंसा करें, बुराई की निंदा करें। अच्छाई और बुराई है, इसकी व्याख्या वो व्यक्ति कर सकता कि जो अर्हत है, जो अर्हत है, सम्यक संबुद्ध है, जो विद्वान है, जो विद्वान है, जो ज्ञाता है, जो होश में है, जो अवेयरनेस में है, वो लोग वैचारिक रूप से क्रांति पैदा करने का काम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ जैसे बोला जाता है कि धर्म की विजय के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए, तो सबसे पहले धर्म की व्याख्या को स्पष्ट करना पड़ेगा कि धर्म का मतलब क्या है, धर्म की विजय का मतलब क्या है। धर्म विजय का मतलब होता है कि वर्ण व्यवस्था जैसे द्वेष फैलाने वाली व्यवस्था का खात्मा, उसको बोलते धर्म की विजय। धर्म विजय का मतलब है कि सारे मानव समान है, समान है, ऐसी भावना निर्माण करना, अर्थात जाति भेद का संपूर्ण उच्छेद, उसे कहते धर्म की विजय। धर्म विजय का मतलब है कि लिंग आधार पर एक दूसरे से भेदाभेद नहीं करना, उसे कहते धर्म की विजय। धर्म की विजय का मतलब है द्वेष अशांति या जो क्रोध, अन्य जो भावनाएं हैं व्यक्ति के अंदर में, जिसके कारण मानव मात्र का अकल्याण होता है, कल्याण नहीं होता है, उस भावना को नष्ट करना ही धर्म की विजय कहते। तो धर्म की विजय करना, ये हमारा पहला उद्देश्य है। धर्म का विजय मतलब धम्म की विजय। धम्म का मतलब परापार प्रकृति से प्रेम नहीं, सच्चाई के साथ प्रेम की स्थापना करना, सत्य के साथ में, किसी काल्पनिक उड़ान नहीं। काल्पनिक उड़ान होना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ सत्य का पुरावा होना बहुत जरूरी है। भारत के अंदर में दो परंपराएं काम कर रही है, एक काल्पनिक परंपरा और एक ऐतिहासिक परंपरा। एक परंपरा कहती है कि आपको किसी भी बात को अंधे जैसे मानना है, कथा कहानियों को आपको धर्म मानना है, कथा कहानी को आपको इतिहास मानना है, और कथा कहानियाँ जो है ये सत्य घटना है ऐसा मानना है। दूसरी विचारधारा ये कहती है कि कथा कहानियाँ एक व्यक्ति के मन के द्वारा निर्मित चीज़ें हैं,
मन के द्वारा, चित्त के द्वारा निर्मित चीजें हैं। अगर मन पर आपका कंट्रोल नहीं है, चित्त पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो आपके इंद्रियों के अंदर में इतनी ताकत है कि वो सोते सोते भी आपको पिक्चराइज कर देता है, आप सपने के अंदर उड़ाने भरना शुरू करते हो। तो कल्पना करना उसका एक काम है, कल्पना करना उसका एक काम है, और कल्पना आश्रित कहानियों का निर्माण होता है। तो काव्य और कथाएं ये कल्पना आश्रित चीज़ें होती है। कल्पना आश्रित चीज़ें जो है सत्य नहीं होती, सबसे पहले समझना जरूरी है। ये इसलिए समझना जरूरी है कि आप सत्य तक पहुँचे, सत्य को जाने। कल्पना और कहानियाँ किसी सत्य घटना को समझाने के लिए एक उदाहरण स्वरूप होता है कि किसी आदमी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो उसको समझाने के लिए एक काल्पनिक पात्र की टीम खड़ी की जाती है। उस काल्पनिक पात्र की टीम के अंदर में सारी चीज़ें डाली जाती है और उसमें समझाया जाता है कि ये ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा करने से वैसा होगा, ये करने से गलत होगा, ये करने से सही होगा। इस प्रकार से पात्र तैयार किए जाते हैं, जैसे आधुनिक सिनेमाओं के अंदर में किए जाते हैं या आधुनिक जो कहानियों के अंदर में, जो सीरियल के अंदर में किए जाते हैं, उसी प्रकार इतिहास के अंदर में भी जिस प्रकार के काल्पनिक साहित्यों का निर्माण हुआ, उन काल्पनिक साहित्य को सत्य घटना मानना या उसके बारे में कोई साक्ष्य मांगना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। आप उसके बारे में साक्ष्य मांगते हो कि इसका साक्ष्य दो, असत्य का या कहानी का, कल्पना का कोई साक्ष्य नहीं होता है, वो तो एक घटना को समझाने के लिए तैयार किया जाने वाला साहित्य होता है। तो भारत के इतिहास के अंदर में कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं। भारत देश एक प्रकार से समृद्ध देश है, बहुत बड़ा समृद्ध देश है, और भारत देश का भूभाग जो है वो सूपिक है, बहुत अच्छा है। इस देश के अंदर में विभिन्न विदेशों से आक्रमण हुए, विभिन्न विदेशों से आक्रमण हुए, और आक्रमणकारियों ने इस देश पर सत्ता करने के अलग अलग तरीके ढूंढे। उसमें से जो शारीरिक बंधन बनाने वाले जो तरीके थे, उन तरीकों को हमने पराजित कर लिया, उन तरीकों को हमने पराजित कर लिया। अब हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं, अब हम मुस्लिमों के गुलाम नहीं हैं। मुस्लिम यहाँ से चले गए, या कुछ मुस्लिम हैं वो इस देश के ही हैं, जो यहीं के जन्मे हुए मुस्लिम हैं, जिन्होंने वर्णभेद जातिभेद के कारण यहाँ के थे, मूल रूप से रहने वाले लोग थे, उन्होंने इस्लाम को ग्रहण किया क्योंकि इस्लाम के अंदर उनको सम्मान मिला, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन मैं जो बात आपको कहने जा रहा हूँ कि एक गुलामी जो होती है, एक गुलामी वो होती है शारीरिक गुलामी, लेकिन एक गुलामी होती है मानसिक गुलामी। तो मानसिक गुलामी एक बड़ी गुलामी होती है, मानसिक गुलामी एक बड़ी गुलामी होती है, और ये गुलामी को हटाना इतना आसान नहीं होता है। तथागत ने अपनी मानसिक गुलामी तोड़ने का मार्ग बताया, उन्होंने पहले अपनी गुलामी तोड़ी, उसको मार का बंधन कहा, उसको मार का बंधन कहा, और मार की उन्होंने डेफिनेशन दी, बड़ी विस्तृत व्याख्या हो जाएगी, लेकिन संक्षेप में हम उस व्याख्या को बताना चाहते हैं कि आदमी का जब, इंसान का जब चित्त जब सही डायरेक्शन में काम नहीं करता है, वो मार के बंधन में जब होता है, तब उसको ये लगता है कि मेरे से बड़ा कोई दुनिया में है नहीं, पहली चीज़। तो यहाँ पर काल्पनिक जो पात्र खड़े हुए, मार के बंधन में जो अटके हुए लोग थे, उनके द्वारा काल्पनिक पात्रों की रचना की गई। उन रचनाओं के माध्यम से ये बताया गया कि कोई मुंह से आदमी पैदा हो गया, कोई छाती से पैदा हुआ, कोई जंगा से पैदा हुआ, कोई पैर से पैदा, और इस प्रकार वर्ण व्यवस्था हो गई। ये जो दर्शाने वाला, साहित्य लिखने वाला जो व्यक्ति था, वो मार के बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति था, मार के बंधन, क्योंकि संसार के अंदर में मार का बहुत बड़ा साम्राज्य है। मार का यानी जो चित्त की विकृत प्रवृत्तियाँ है, जो चित्त को बंधन से अलग नहीं होने देती है, उसको मुक्त नहीं होने देती है।
तो उस बंधन में पड़े हुए आदमी ने, इंसान ने वर्ण व्यवस्था की रचना की, उसी आदमी ने जाति भेद की रचना की, उसी आदमी ने निरपराध प्राणी और पशुओं को यज्ञों को अंदर में काटने के बारे में जो साहित्य लिखा, उनके ऊपर दया नहीं की, करुणा नहीं की, वो साहित्य लिखने का काम वो मार क्षेत्र के अंदर में होने के कारण किया, क्योंकि वो मार क्षेत्र के अंदर में था जो व्यक्ति, और उसने अपने आप को बहुत बड़ा बताया। और उस बड़ा बताने के लिए क्या होता है कि जब मार क्षेत्र के अंदर में व्यक्ति पीड़ित होता है या उसमें फंसता है, तो वो अपने से बड़ा किसी को देखना ही नहीं चाहता। अपने से विद्वान को उसको बड़ी घृणा होती है और वो चाहता है कि मैं विद्वान बनूं। और फिर उसने एक टोली बनाई, उस टोली को उसने संगठन का नाम दिया, उस संगठन ने अपना एक धर्म स्थापित किया, उस धर्म के अनुसार अनुयायी जो निर्माण किए, अनुयायी निर्माण किए, वो निर्माण हुए अनुयायी सेवक के रूप में निर्माण किए। सेवक, सेवकों को ज्ञान नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने तर्क को ही मना कर दिया। तर्कों को मना करने के कारण ये जो व्यवस्था निर्माण हुई, व्यवस्था ने व्यक्ति को बंधन के अंदर डाला, और बंधन के अंदर डालने के कारण मार्ग का शासन और पुख्ता हुआ, और उस शासन के कारण जनता दुखी हुई, पीड़ित हुई। यहां तथागत कहते कि मैंने मार विजय प्राप्त की, मार विजय प्राप्त की। जब मार पर विजय प्राप्त की तो सारे दुर्गुणों को अपने चित्त से हटा दिया, सारे दुर्गुणों को जला दिया, और एक पवित्रता का उनके अंदर से निर्माण हुआ। उनकी जो ज्ञान की ऊंचाई है, यह बहुत बड़े लेवल की है। उसको समझने के लिए आपको आंतरिक रूप से शुद्ध होना होगा, क्योंकि बंधन में बंधा हुआ आदमी बंधन से रहित व्यक्ति के चित्त को नहीं जान पाएगा। आकाश की ऊंचाई में उड़ने वाला पक्षी और जमीन के तल पर रेंगने वाला पक्षी, दोनों में अंतर होगा। आकाश से उड़ने वाला पक्षी संपूर्ण रूप से बहुत सारी चीज़ों को देखेगा, लेकिन जमीन के ऊपर में चलने वाला जो पक्षी है, वो पक्षी केवल आसपास का 1-1.5-2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का एरिया देख सकता है। वो भी उसको पूरा नहीं दिखेगा, जहाँ तक उसकी नज़रें जाएगी उतना ही देख सकेगा। अंतर दृष्टिकोण का हो जाता है। तो जो मार के बंधनों से जो मुक्त हुए व्यक्ति है, वो ऋषि है, मुनि है, वो ज्ञानी है, वही अरहंत है, वही पंडित है, वही विद्वान है। बाकी नकली है। नकली और असली में भेदाभेद होना बहुत जरूरी है। और आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, ये सम्राट अशोक का विजयादशमी के उपलक्ष्य में आज मैं अपने वक्तव्य जारी कर रहा हूँ। बाबा साहब के 14 अक्टूबर 1956 को, इसी दिन विजयादशमी के दिन, भारत के जो शोषित लोग थे उनको बौद्ध धम्म की दीक्षा देकर उनका पुनर्जागरण कराने का कार्य बाबा साहब ने बड़े पैमाने पर किया। तो व्यक्ति महान नहीं होता है, विचारधारा महान होती है, और जब व्यक्ति के अंदर वो विचारधारा आती है तब वो महान बनता है। सम्राट अशोक भी एक सामान्य व्यक्ति था, लेकिन बौद्ध धम्म के संपर्क में आके जब भिक्षु मोगलितिस इन्होंने जब उनको दीक्षा दी और धम्म के बारे में जानकारी दी, तब उनका इनलाइटमेंट हुआ, सम्राट अशोक का इनलाइटमेंट हुआ। अगर ये बौद्ध परंपरा, ये बौद्ध धम्म की वाक्य उसके अंदर नहीं जाते, तो वो कलिंग के बाद भी और युद्ध करते रहता, ऐसा नहीं कि युद्ध थाम देता, लेकिन करते रहता। तो अच्छे विद्वान व्यक्ति की, विद्वान विचारधारा की बहुत जरूरत है दुनिया के अंदर में। पहली चीज समझने वाली, इस कहानी से ये समझने की बात है। सम्राट अशोक के अंदर महानता थी, लेकिन महानता छुपी हुई थी। बौद्ध धम्म
का अनुयायी बनने के कारण धम्म की जो रस, धम्म का जो रस है, धम्म का जो पान है, रस पान है, वो करने के कारण अंदर से जब दुर्गुण जाने लगे तब वो व्यक्ति महान बना। तब उनको समझ में आया कि ये जो शासन है जिस मार्गकाट से मैं हस्तगत कर रहा था उसकी जरूरत ही नहीं है। उन्होंने मैत्री का मार्ग अपनाया और विश्व धरातल में एक ऐसे व्यक्ति बने कि उन्होंने अपने पड़ोसी राजाओं के साथ भी मैत्री रखी और पड़ोसी राज्य के लिए भी उन्होंने पशुओं के दवाखाने हॉस्पिटल ओपन कराए, पशुओं के लिए उन्होंने पानी की कुएं खुदवाए, लोग जो रास्ते में जाते हैं उनके लिए उन्होंने कुएं और तालाबों का निर्माण कराया और रास्ते के किनारे वट वृक्ष का निर्माण कराया। अपनी शासन व्यवस्था को डिसिप्लिन बनाया और डिसिप्लिन के साथ में एक ऐसी शासन पद्धति निर्माण की कि उस शासन पद्धति के अंदर में इंसान को बड़ा महत्व दिया। और सम्राट अशोक ऐसे इतिहास के महानायक बने कि उन्होंने पशु वध को बंद करवाया, पशु यज्ञ को बंद करवाया, जो ईश्वर को खुश करने के लिए पशु यज्ञ किए जाते थे जिसमें निरपराध पशुओं की बलि दी जाती थी, उस बलि प्रथा को बंद कराने का काम सम्राट अशोक ने किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सम्राट अशोक ने अपनी शासन व्यवस्था को पुख्ता नहीं किया। सम्राट अशोक के पास एक ताकतवर सेना भी थी। तभी सम्राट अशोक ने 40 साल तक स्वयं शासन किया बहुत अच्छे से। चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज सम्राट अशोक और सम्राट अशोक के बाद में वो सभी उनके जो उत्तराधिकारी आते हैं उरहरद मौर्य तक, करीबन 10 राजाओं का, 10 मौर्य साम्राज्यों का शासन इस भारत पर रहा। और जब तक ये शासन रहा तब तक टिका रहा जब तक विचारधारा जीवित रही, लोग प्रशिक्षित रहे। लेकिन कालांतर में क्या होता गया कि वर्ण व्यवस्था की विचारधारा हावी होने लग गई, यज्ञ वाली विचारधारा हावी होने लग गई और धीरे 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 मौर्य साम्राज्य पतन की तरफ चला गया। और उरदत्त मौर्य के सेनापति पुष्यमित्र सुंग द्वारा उरदत्त मौर्य की जीवन लीला समाप्त करना और शुंग साम्राज्य की स्थापना करना एक इतिहास के अंदर में एक बड़ा घटनाक्रम था। इसमें मौर्य साम्राज्य की भूल ही कहा जाए कि उन्होंने अपने शासन व्यवस्था के अंदर में सही लोगों को एंट्री नहीं दी थी या उन्होंने अपना बंदोबस्त सम्राट अशोक जैसा नहीं किया था। और इसलिए जैसे ही मौर्य साम्राज्य समाप्त होता है वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था पर किताबें लिखी गई, महाकाव्यों का निर्माण हुआ और उसको स्थापना के लिए यहाँ के जो बौद्ध थे उनको अशिक्षित बनाने के लिए उनकी शिक्षा पर पाबंदी लगाई गई। उस शिक्षा पर पाबंदी लगाने के बाद में जैसी वर्ण व्यवस्था बनी तो आज आप जो कालांतर में अगर इतिहास के अंदर जाते हो तो आप देखिए कि ज्योतिबा फुले इनको माता सावित्रीबाई फुले को पहली बार स्कूल खोलने के लिए प्रेरित करना पड़ा महिलाओं के लिए, और उन्होंने स्कूल खोला। वो सावित्रीबाई फुले को पढ़ाने का काम ज्योतिबा फुले ने किया
तो अंग्रेजों ने इस देश में आके एक काम किया, वो है कि शिक्षा के द्वार सभी के लिए खुले, न्याय व्यवस्था सभी के लिए समान कर दी। सब के सब उनके नज़र में इंसान थे, और यहाँ से एक क्रांति का जन्म हुआ आधुनिक भारत के अंदर में। उसके पहले का हम घटनाक्रम देखते हैं तो सूफी संत एक आंदोलन चला रहे थे, सूफी संत थे, उसमें हम देखते हैं कि कबीर साहब का बहुत बड़ा आंदोलन था चेतना निर्माण करने के लिए। और कबीर साहब, संत रविदास साहब मूल रूप से ये ज्ञानी परंपरा के व्यक्ति है। इन्होंने भारत के अंदर में बहुत से संत है, नामदेव है, तुकाराम है, चोखामेळा है, नानक, रैदास, मीरा, जितने भी हम संतों को देखे तो एक जन जागृति का काम करने वाले लोग हैं। कबीर साहेब कहते हैं पीवत राम रस लागी खुमारी, पीवत राम रस लागी खुमारी। और बाबा साहब के जो पिताजी थे रामजी सकपाल, रामजी अंबेडकर, ये कबीरपंथीय थे। कबीरपंथीय थे, अंग्रेजों के सैन्य के अंदर सूबेदार भी थे। कबीरपंथी और सूबेदार सेना के अंदर में, तो अंदर से एक पराक्रमी की भावना भी थी और विद्वान भी थे। तो भारत के अंदर में अंग्रेजों के शासनकाल में जब पेशवाओं के पीड़ा देने पर, यहाँ के जो लोगों को पीड़ा दी जा रही थी पेशवाओं के माध्यम से, उसको भारत के 500 शूरवीर लोगों ने जब अंग्रेज सेनापति के साथ में मिलकर, अंग्रेजों के साथ मिलकर 500 लोगों ने यहाँ की वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के निर्माण करने वाले, उसको आदर्श मानने वाले पेशवाओं का राज्य ही खत्म करने का काम किया, और यहाँ से क्रांति की शुरुआत असली रूप से हुई। तो राम जी अंबेडकर बाबा साहब को विद्वान बनने के लिए प्रेरित करते थे। बाबा साहब को जो किताबें चाहिए वो किताबें लाकर देते थे, तो बाबा साहब को पढ़ने का, ज्ञान अर्जन करने का बचपन से ही उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर लिया था कि भीमा तू शूरवीर है, तुझे आगे तो बढ़ना ही है, तुझे आगे बढ़ना है तो पढ़ना होगा, तुझे ज्ञान में किसी के पीछे नहीं रहना है, तुझे ज्ञान वाला व्यक्ति बनना होगा, तुझे ज्ञान वाला व्यक्ति बनना होगा, तुझे विद्वान व्यक्ति बनना होगा। तू ज्ञान वाला जब बन जाएगा, विद्वान जब बन जाएगा, तो तू अपना तो उद्धार करेगा ही, इस देश के अंदर में उन लोगों का भी उद्धार करेगा जो पीड़ित है, जो दिग्भ्रमित है, जो जंजाल में फंसे हुए हैं, जो धार्मिक जंजालों के नाम से गुलाम है, जिनको ना पानी पीने का अधिकार है, ना कहीं मंदिर में जाने का अधिकार है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं, उन महिलाओं का तो उद्धारकर्ता बनेगा जिनको केवल केवल और केवल गृहणियाँ बना के रख दिया है, किचन तक सीमित कर दिया है। उस व्यवस्था का तू खात्मा करेगा, उस व्यवस्था के खात्मे के लिए कुछ काम करेगा। रामजी सकपाल इस दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। और जब केलुस्कर गुरुजी ने
बुद्ध चरित्र, डॉक्टर बाबा साहब को भेंट दिया था तभी से उनके अंदर तथागत के धम्म का बीज बीजारोपण हो गया था। कबीर के माध्यम से तो हुआ ही था, वो किताब के माध्यम से भी हुआ। और जब विदेश के अंदर में बाबा साहब पढ़ने के लिए गए और बाबा साहब की विद्वत्ता दिनों दिन डेवलप होती गई, वो पढ़ते गए, चिंतन मनन करते गए, एक एक बंधन टूटते गए, ज्ञान का शिखर उनका बढ़ते गया, ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ते गए। और जब वो भारत में आते हैं और सयाजीराव गायकवाड़ इन्होंने स्कॉलरशिप दी थी, उसके कारण उनको बड़ौदा के अंदर में नौकरी करने के लिए जाना पड़ता है, तो उनके कास्ट का पता चलता है, जाति का पता चलता है। उसके कारण क्या होता है कि जिस घर में वो रुके थे वहाँ से आधी रात में उनका सामान फेंक दिया जाता है और वहाँ पर वो संकल्प लेते हैं कि मैं इस व्यवस्था को उखाड़ कर फेंकूँगा, क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति अगर पीड़ित होता है तो मेरे लोग कितने पीड़ित होते होंगे। बोले इस व्यवस्था को अगर मैंने उखाड़ कर नहीं फेंक पाया तो मैं अपने आप को गोली मार के खत्म कर दूंगा। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा लेने वाले डॉक्टर आम्बेडकर, इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के अंदर जन्म लेना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू होकर मरूंगा नहीं। ऐसा वो जन सामान्य के लिए बता रहे थे, लेकिन क्या डॉक्टर आम्बेडकर हिंदू थे? बिल्कुल नहीं थे। मैं ये बोल रहा हूँ और प्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, डॉक्टर आम्बेडकर हिंदू नहीं थे, लेकिन लोग अपने आप को हिंदू मान रहे थे, तो डॉक्टर आम्बेडकर ने भी बोला मैं भी हिंदू हूँ। अब लोगों को समझाने का वही तरीका था, क्या समझाएंगे? कालाराम मंदिर का उन्होंने आंदोलन चलाया, क्या मंदिर दर्शन की उनको जरूरत थी? नहीं, उन्होंने लोगों को दिखाया कि देखो तुम्हें मंदिर के अंदर नहीं जाने दे रहे, हमें भी नहीं जाने दे रहे, तुम्हें भी नहीं जाने दे रहे, तुम इस धर्म के अंदर क्यों हो? ये धर्म नहीं, धर्म के नाम पर फैलाई गई गुंडागर्दी है, ये धर्म के नाम पर ये गुंडागर्दी है। और ये एक मूर्ख या अज्ञानी लोग जो मूर्ता के बहुत ऊपर सीढ़ी तक पहुंच गए, जिनके मार के बंधन पे वो लटके हुए हैं, ऐसे दुर्बुद्धि लोगों की ये व्यवस्था है। उस व्यवस्था के जंजाल में तुम क्यों पड़ रहे हो? उसके अंदर से तुम्हें कौन सी मुक्ति मिलने वाली है? तुम्हारे पूर्वज भी तो बहुत सारी यात्रा को जाते रहते हैं, दूर दूर से पूजा करते हैं, फिर भी उनको ढंग से पानी नहीं पीने दिया जाता, उनको सम्मान नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा हम घर वापसी करेंगे, और घर वापसी का उन्होंने अभियान चलाया, क्योंकि आज के SC ST OBC मुस्लिम्स महिलाएं जितनी भी है, ये सारे बौद्धिस्ट है, इसका ऐतिहासिक प्रमाण भी है। इवंस यहाँ के बहुत सारे क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मिन्स भी बौद्धिस्ट ही थे। इसका एक अगर पुराठा देना चाहिए या इतिहास की बात बताना चाहिए तो वैश्य टेकड़ी उज्जैन के अंदर है, वो उज्जैनी का ये बौद्ध का केंद्र था, उज्जैन के अंदर में स्तूप है और उस स्तूप का नाम वैश्य टेकड़ी है, वैश्य टेकड़ी। उसको पहले कुछ लोगों ने डिस्कवरी करते थे, वे कुछ अलग नाम से बोलते थे, लेकिन एक्चुअल में वैश्य टेकड़ी नाम से वो स्तूप है। वहाँ पर तथागत की आसंदी पर स्तूप बना हुआ है, वहाँ पे संगमित्रा और महेंद्र इनके अस्थियों पर भी स्तूप बने हैं। कुछ स्तूपों को तोड़ भी दिया गया है क्योंकि सरकार ने संरक्षण नहीं किया है ढंग से। तो हम जो बातें कहने जा रहे हैं कि बाबा साहब ने हमें घर वापसी का अभियान 14 अक्टूबर 1956 में शुरू कर दिया था। बाबा साहब ने इसके पहले ही बहुत सारे काम शुरू कर दिए थे। भारत के मुद्रा के अंदर में 4 शेरों का चिन्ह दिया और शांत प्रिय शेरों का दिया, ऐसे नहीं कि कोई खूंखार शेर नहीं,
शांत प्रिय शेर। अशोक चक्र नीले कलर में हमारे भारतीय राष्ट्र ध्वज में दिया। राष्ट्रपति भवन के अंदर में तथागत की धम्म चक्र परिवर्तन वाली मूर्ति, और इसके साथ में अगर हम देखें सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव विजय होती है, ये चिन्ह देने का काम बाबा साहब ने किया। और बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन की जो पिंबल्स है वहां पर लोगों को महत्व दिया, हम भारत के लोग। और तथागत का धम्म भी किसके लिए? लोगों के लिए, विश्व के लोगों के कल्याण के लिए। उनका पहला ही वाक्य क्या आता है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन हिताय बहुजन से बहु मतलब बहुत सारे लोगों के हित और सुख के लिए, क्योंकि गलत रास्ते पर जाने वाले थोड़े बहुत लोग होते हैं, सही रास्ते पर जाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो सही रास्ते पर चल रहे हैं उनके हित और सुख के लिए उन्होंने अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय नहीं कहा। अल्पजन की एक टोली बहुजन के अंदर में जाकर उनको टुकड़ों टुकड़ों में बांटती है जाति और वर्ण व्यवस्था के नाम पे। पहले वर्ण व्यवस्था में तोड़ते, फिर जाति व्यवस्था में तोड़ती है, और जाति व्यवस्था में तोड़ते उच्च नीच का प्रचार प्रसार करके उनके अंदर से एक प्रकार का वैज्ञानिक भाव को खत्म करती है। इसलिए बाबा साहब ने ये चीज देखी कि गुलामी का कारण क्या है। गुलामी का मूल कारण है मन मस्तिष्क की गुलामी। लोगों का मन गुलाम है। मन इसलिए गुलाम है कि वो तर्क करने की शक्ति भूल गए। मन गुलाम इसलिए है कि उनके इंद्रिय ढंग से काम नहीं कर रहे। इंद्रिय क्यों नहीं काम कर रहे? क्योंकि चित्त की अवस्था ठीक नहीं। चित्त की अवस्था ठीक क्यों नहीं? क्योंकि उनको शराब पीने के लिए लगा दिया गया है। शराब पीने के लिए लगा दिया गया है, भांग पीने के लिए लगा दिया गया है। वेश्यागमन की तरफ उनकी प्रशंसा की गई बहुत सारे ग्रंथों ने। चोरी को बहुत अच्छा बताया है, मादक द्रव्य के व्यापार को बहुत अच्छा बताया है, और सारी चीज को बचने का एक तरीका बता दिया है कि मंदिर में दान दो, नदी में डूब जाओ, वहां जाके पानी में डूबो, नर्मदा में डूबो, पवित्र हो जाओगे। मंदिर बनाओ, नदी में जाओ, तीर्थ यात्रा में जाओ, पाप धुल जाएंगे। हर साल एक बार जाते जाओ, साल भर वही काम करो। लेकिन तथागत की वाणी में ऐसा नहीं है। तथागत कहते हैं कि कृत्य और अकृत्य आप पर निर्भर है। कोई किसी को शुद्ध नहीं कर सकता, स्वयं ही अपने आप को शुद्ध कर सकता है। आदमी स्वयं को ही शुद्ध कर सकता, कोई किसको अशुद्ध नहीं कर सकता, खुद ही व्यक्ति अशुद्ध होता है। शुद्धि और अशुद्धि किसी और पर डिपेंड नहीं, अपने आप पर डिपेंड है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जन्म के साथ अकेला आता है, और प्रत्येक व्यक्ति जन्म के मृत्यु के साथ में अकेला ही जाता है। बीच में ये प्रपंच है। तो इसलिए आपको समझना होगा मार के बंधनों को काटना होगा, क्योंकि पृथ्वी के जीवन के बाद का भी जीवन है। आप पृथ्वी पर ही सब कुछ चीजों को नहीं समझो, लेकिन तथागत ने जो मार्ग दिया उस मार्ग में क्या है? आदि न कल्याणकारी, मध्य न कल्याणकारी और अंत में भी कल्याणकारी। मैं जो मार्ग बता रहा हूं शुरुआत में अभी भी कल्याणकारी है, तुरंत फल देने वाला है। बाद में भी अच्छाई के लिए है, बाद में भी अच्छाई के लिए और अंत में भी अच्छाई के लिए। तो तथागत का मार्ग क्या है? तथागत का मार्ग बिल्कुल स्पष्ट मार्ग है। तथागत पूर्ण शरीर के बारे में ज्ञान देते हैं। सबसे पहले अवेयरनेस की बात तथागत सिखाते हैं। अवेयरनेस क्या सिखाते हैं? होश में, कोई भी कार्य आपका होश में रहे, और होश के लिए आपको ध्यान करना जरूरी है। आपका हर कार्य होश के साथ होना जरूरी है, और होश के लिए वो अपने शिष्यों को या भिक्षुओं को सिखाते थे चक्रमन ध्यान। चलते हुए भी आपको होश में चलना है, भोजन भी आपको होश के साथ करना है, आपको बोलना है तो होश के साथ बात करना है, आपको सोना है तो होश के साथ दाहिनी करवट लेके सोना है। आपका हर कार्य हर एक्टिविटी होश के साथ होना चाहिए। और होश के साथ होने से क्या होता है? इंद्रिय प्रशिक्षित हो जाती है, मन प्रशिक्षित हो जाती है। तब जब वो प्रशिक्षित हो जाते तब उसको बताते हैं कि आप भोजन कर रहे हो तो होश के साथ करो। फिर वो बताते हैं कि आपका हर कार्य हर
कार्य होश के साथ हो, उसके बाद वो चारों ध्यानों को करने की बात बताते हैं। चार ध्यान क्या है? चार ध्यान वो ध्यान है कि जिसमें सॉल्यूशन वाइज ब्रेन को ले जाना होता है। सॉल्यूशन वाइज ले जाने के लिए सबसे पहला काम वो बताते हैं कि ब्रेन के अंदर में आप पॉजिटिवनेस डालो, पॉजिटिवनेस डालो, पॉजिटिवनेस डालो। दूसरी चीज़ है तर्क करो और तर्क को सॉल्यूशन वाइज करो। थॉट प्रोसेस दो, पॉजिटिव थॉट दो और तर्क सॉल्यूशन वाइज दो। सॉल्यूशन वाइज देने से क्या होगा, ब्रेन के अंदर में जो गांठें हैं वो खुलना शुरू हो जाएगी और जैसे ही खुलना शुरू हो जाएगी आपको एक एक चीज़ का हल मिलना शुरू हो जाएगा। ये चिकित्सा आपको ही करनी है, तथागत को मार्गदाता है। आप जब चिकित्सक बनोगे तो एक एक गांठें जब ओपन होगी, जब अंदर जाओगे आप देखोगे तो डीपली तल में एक समय आएगा कि आपके अंदर में केवल विचार ही रह गए हैं, विचार ही रह गए हैं और विचार रह गए हैं। अब आपको पॉजिटिव तर्क देने की जरूरत नहीं है ना, तर्क भी एक साइड में चले जाएंगे, विचार ही विचार रहेंगे और एक समय आएगा कि आप विचारों को भी छोड़ देंगे। जब आप विटनेस बन जाओगे, पूर्णता विटनेस बन जाओगे, तब आप अपने अंदर से पॉजिटिव एनर्जी को देख सकते हो, उद्भव स्रोत में जाते हुए देख सकते हो। ये काल्पनिक ध्यान नहीं है ना, नहीं तो वो काल्पनिक ध्यान की तरफ चले जाओ तो उधर, और नहीं तो लोग अपना बोलते हैं अष्टचक्र को जगा रहे, वो काल्पनिक ध्यान है, अष्टचक्र नहीं। यहाँ प्रैक्टिकली है, काल्पनिक नहीं है, प्रैक्टिकल। जब आप अंदर 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 जाओगे, अपने अंदर जाओगे और जब आप शीतल हो जाओगे तब आपका ब्रेन बहुत पावरफुल होगा, चित्त बहुत पावरफुल काम करेगा। इसको सम्यक समाधि कहते हैं। एक प्रशिक्षण का एक तरीका था तथागत का। तथागत ने कहा जिसको भी, जो भी व्यक्ति अष्टांग मार्ग का पथिक होगा वो उस दुख रूपी मार के बंधनों को तोड़ते हुए आगे निकल जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। अष्टांग मार्ग सिंपल मार्ग है, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है। सम्यक दृष्टि का अर्थ ही समझते समझते कुछ लोगों, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के विरोध नहीं है। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के विरोध नहीं है। मिथ्या दृष्टि का मतलब क्या है कि कोरी काल्पनिक काव्य को ही धर्म का अंग मानना मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि क्या है? इविडेंस मांगना, प्रमाणीकरण। और ब्रह्मांड के अंदर में अगर कोई घटना घटती है तो वो क्यों घटती है? वो कार्य कारण के सिद्धांत के अनुसार घटती है, कार्य कारण के सिद्धांत के अनुसार घटती है। हर घटना का कोई ना कोई कारण होता है ये मानना। फिर चार आर्य सत्य को मानना, चार आर्य सत्य। दुख है, दुख है तो क्यों है दुख? दुख का समुदाय है, दुख का समुदाय, एक समूह है दुख का। वो समूह दुख निर्माण करता है। कौन सा समूह है? वो राग द्वेष मोह यानी मूढ़ता, ये तीनों बंधन। इन बंधनों में पड़ने के कारण दुख का निर्माण होता है। तो इन बंधनों से छूटने का मार्ग क्या है? निराकरण है। तो फिर आगे क्या कहते हैं? दुख का निराकरण है। वो निराकरण के लिए क्या है? अष्टांगिक मार्ग है, आर्यो अष्टांगिक मग्गो। आर्यो मतलब क्या होता है? दुख को नष्ट करने वाला श्रेष्ठ मार्ग, आर्यो। आर्यो यानी शत्रुत्व को नष्ट करने वाला मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। उसके अंदर में सम्यक दृष्टि आती है। सम्यक दृष्टि का नंबर वन में स्थान है, क्योंकि सम्यक दृष्टि ही एक ओपन करती है आपका मुक्ति का द्वार। अगर किसी की सम्यक दृष्टि ही ओपन नहीं हो रहा, वो ज्ञान दे रहा, प्रवचन दे रहा, तो उसकी व्याख्या ही गलत व्याख्या हो जाएगी। वो बहुत बड़ा साहित्य लिख के छपवा सकता है, उसकी साहित्य की दो कौड़ी की कीमत नहीं, क्योंकि आपके मुक्ति के लिए नहीं। हो सकता है उससे आधार पे आप पैसा कमा लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन वही चीज़ें कमाओगे जो आप टेम्प्ररी चीज़ें जो आप साथ में ले ही नहीं जा सकते हो, वही चीज़ें कमाओगे। ईंटों के, इसके पत्थरों के पहाड़ बनाओगे, मशीनरी, ये बहुत सारा कुछ कर सकते, लेकिन मुक्ति का द्वार नहीं खोल सकते। मुक्ति का द्वार खोलने के लिए सम्यक दृष्टि का बहुत जरूरी है। इसलिए किसी भी साहित्य को 100% नहीं मानना है कि साहित्य का भी चीरफाड़ होना बहुत जरूरी है, उसका भी विश्लेषण होना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने ऐसा कहा कि प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकती साहित्य पर, कहीं नहीं कहीं आपको बंधन में डाल के रखा है। ऐसे लिखने वाले लोग ही आपको बंधन में डालते हैं और आपकी मुक्ति के मार्ग को ही ओपन नहीं होने देते। और जिसकी सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होती तो उसके संकल्प भी सम्यक नहीं होते। वो मैत्री पर संकल्प नहीं कर सकता,
वो विहिंसा पर संकल्प नहीं कर सकता, वो किसी के प्रति कृतज्ञ बनने पर संकल्प नहीं कर सकता। उसको तो लगता मैंने इसका फायदा उठा लिया, तो उस है ना टाइम निकाल लिया मैंने मेरा, कृतज्ञता उसके पास नहीं होती है। और उसकी प्रामाणिकता तो उस पर है कि सामने वाले को पता ही नहीं चला मैंने तो कर ली, सामने वाले को पता चले तो चोरी, सामने वाले को पता नहीं चले तो चोरी नहीं हुई, वो तो ईमानदारी है उसकी। तो विहिंसा, हिंसा के विरुद्ध विहिंसा का संकल्प लेना होगा। आज भारतीय संविधान के अंदर भी आप जाके जंगलों में शिकार नहीं कर सकते, ये कहां से लिए गए सिद्धांत? बुद्ध धम्म से लिए गए। नहीं तो पहले लोग तो शेर का शिकार करने में, अरे भैया शेर का शिकार किया, आज हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे कि चार चित्तों को लाके छोड़ दिया उसकी रक्षा करना। पहले तो चित्तों की मार देना मतलब एक शूरवीर का काम था, शेर को मारा भैया, कहानी लिखी गई शेर को मारा, क्योंकि लोगों को लगता था कि शेर जंगल में है, हमको डर है और शेर मर जाएगा तो हम आजाद हो जाएंगे, उनकी अपनी धारणा थी। लेकिन आज ऐसा नहीं कर सकते। तो सम्यक संकल्प लेना होगा, सम्यक संकल्प लेने के लिए आपकी सम्यक दृष्टि होना बहुत जरूरी है। फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड चित्त के अंदर प्रोग्राम बनता है शब्दों से, वचन आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। सम्यक वचन का मतलब है कि आपको उद्देश्य पूर्वक बातचीत करना है, बेमतलब की बातचीत नहीं करना है, विषय वाली बातचीत करनी है, ज्यादा लंबी चौड़ी बातचीत की जरूरत नहीं, उद्देश्य पूर्वक बातचीत, मधुर वाणी में बात करना है, कर्कश में नहीं, लोगों को ध्यान देकर बात करनी है। किसी भी अच्छे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर अगर चर्चा करनी है तो किसी अच्छे स्थान पर बैठ के करना है, किसी भी ऐसे अल्लम टल्लम पे नहीं, पान पे चाय पे ठेले पे खड़े होके विद्वान बनने जा रहे हो ऐसे नहीं, वहां पे नॉर्मल बातचीत कर सकते हो, लेकिन गहनता वाली जो बातचीत है, गहराई वाली बातचीत है, इसको करने के लिए उस इन्वायरमेंट पे लोगों को लाना होगा, तभी वो समझ पाएंगे। तो सम्यक वाणी का बड़ा महत्व है, सम्यक वचन। सम्यक वचन के बाद आता है सम्यक कर्मांत, सही कर्म। कर्म किससे होते हैं? मन से होते हैं, वाचा से होते और शरीर से होते हैं। मन से सोचना है तो पॉजिटिव सोचना है, थिंकिंग पॉजिटिव, अच्छी सोच रखना है, वचन अच्छे वचन बोलना है, और शरीर से अच्छे कार्य करना है। अच्छे कार्य में क्या आता है? शारीरिक से, शरीर से किसी की भी गलत तरीके के कार्य को प्रशस्त नहीं करना शरीर से करने के लिए। और निर्मिति कहां से होती? मन से, सोचने से। तो तीनों पर भी काम करने की जरूरत है। सम्यक कर्मांत की बात है थी, सम्यक आजीविका। सभी गृहस्थ व्यक्ति को, साधु हो या संत, सबको पेट भरना जरूरी है। पेट भरने के लिए अपनी आजीविका हर कोई करता है, कोई भिक्षाटन करता है अगर कोई साधु, ये भी उसकी आजीविका है। लेकिन कोई भिक्षु वेश में जाए और आपका मैं ज्योतिष चपल दिखूंगा, आपका हाथ देखूंगा, कुछ डरा के धमका के लालच देके मैं स्वर्ग पर ले जाऊंगा आपको, मिथ्या भाषा बोलकर लालच देके, इस प्रकार की आजीविका करने में धम्म के अंदर मनाई है। सम्यक आजीविका कैसी आजीविका है? सम्यक आजीविका मेरा भी भला हो, आपका भी भला हो। जैसे कृषक किसी चीज का प्रोडक्शन करके उसके कारण लोगों की भलाई हो, मेरी अपनी भलाई हो, जनोपयोगी सेवाओं के माध्यम से। तो आजीविका, जितनी बड़ी आजीविका आप करेंगे पैसा उतना ज्यादा आएगा, लेकिन कौन से अच्छे मार्ग से आना चाहिए? अच्छे मार्ग से आएगा ही आएगा, अगर उसकी सम्यक दृष्टि ओपन है तो वो अच्छा ही काम करेगा। वो सम्यक आजीविका में वो सारी आजीविका आ जाती है जिसके कारण जनता को आवश्यक चीज की पूर्ति होती है, जरूरी चीजों की पूर्ति होती है, उस चीजों की पूर्ति के लिए
जो कार्य किया जाता है जिसमें अपना ही भला सामने वाले का भला, उस पर जो मुनाफा मिलता है या जो श्रम किया जाता है उसके बदले में जो पैसा मिलता है वो आजीविका के अंदर में आता है। उसके बाद आता है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का मतलब होता है कि पहली चीज आपके चित्त के अंदर में किसी भी गलत चीज को जाने से रोकना, अवेयर रहना। दूसरी चीज, अगर चली गई तो उसको बाहर निकालना, चली गई तो बाहर निकालना। तीसरी चीज, अच्छी बातों को, अच्छी चीजों को उसके अंदर इंटर करना। और चौथी चीज, इंटर की हुई अच्छी चीजों की संरक्षण करना, रक्षण करना, उस पर मनन चिंतन करना, उसको पकड़ के रखना। चार बातें ये ब्रेन से रिलेटेड है। सम्यक व्यायाम, बुरी बातों को तो रोकना ही है, आ गई तो उसको बाहर निकालना है, अच्छी बातों को एंट्री करना है और एंट्री करके उसको बढ़ाना भी और उसका संरक्षण भी कराना। मतलब आपको विद्वान बनते जाना है, विद्वान बनते जाना, आपके सबकॉन्शियस माइंड को और डेवलप करना है, 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 बहुत सारा ऐसा डेवलप करना है, ऐसा डेवलप करना है, ऐसा डेवलप करना है कि आपका भाव एकदम सक्सेस की तरफ हो जाए। आप देख सको अपने आप को कि आपने इतने लोगों की, इतने लाखों करोड़ों लोगों की सेवा की, एक व्यवसाय खड़ा किया, उसके कारण आप करोड़पति बने, अरबपति बने, आपके अच्छी गाड़ी आए, बंगले आए, एक अच्छी आजीविका निर्माण की। आप किसी देश के शासक बने, आपकी जनता ने चुनाव किया, लेकिन आप किसके लिए? जनता की सेवा के लिए। आपने उस सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। आप अच्छे राजनेता बने, अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे लॉयर बने, अच्छे बिजनेसमैन बने, अच्छे कारीगर बने, अच्छे विद्वान व्यक्ति बने, अच्छे रिसर्चर बने, सारी अच्छी अच्छी चीज़ों की अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में पुटअप करना, उसको इंटरनल डालना, उसका संरक्षण करना, उसको बढ़ाना। अच्छे लेखक बने, अच्छे वक्ता बने, जो भी बनना है अच्छा बनना है। सम्यक व्यायाम का एक अपना महत्व है। उसके बाद आती है सम्यक स्मृति। स्मृति किसके ऊपर करनी है? पहले तो शरीर पर। शरीर को अगर आपने संभाल दिया, अगर आपको क्रोध अगर आ गया और आप अगर जागृत अवस्था में है तो आपका क्रोध खत्म हो जाएगा। आप देख सकोगे शरीर क्रोध आ रहा है ना। आप कभी मधुर संगीत सुने तो आपका शरीर डांस करने लगता है, लेकिन अगर कहीं कर्कश आवाज आए तो बेकार लगता है, वो शरीर की तरंगे अलग हो जाती है। तो शरीर के मामले में अगर आप अवेयरनेस हो तो आप अवेयर रहोगे, गलत को आप ग्रहण नहीं करोगे शरीरी रूप से और सही को आप ग्रहण करोगे। फिर शरीर अगर अवेयर है तो आपको अपने अंदर से अमृत रूपी रस की प्राप्ति होगी, मजा आएगा। अगर जिसने शरीर के ऊपर अवेयर रहना बंद कर दिया तो उसको अमृत रूपी रस के दर्शन नहीं होंगे, उसका आनंद नहीं आएगा। अगर आप शरीर के प्रति अवेयर हो तो आपको चिड़ियों की चहचहाट बहुत अच्छी लगेगी, आपको पानी का झरना, झंझनाता हुआ झरना अच्छा लगेगा, आपको हरे हरे पौधों को देखना अच्छा लगेगा, बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगेगा, पत्नी के साथ बात करना अच्छा लगेगा, किसी के साथ अच्छा लगेगा, आनंदमयी वातावरण आप निर्माण करने वाले व्यक्ति बनोगे। आप जहाँ जहाँ भी जाओगे वहाँ वहाँ का वातावरण खिलने लगेगा, प्रफुल्लित होगा, प्रफुल्लता आपके साथ चलेगी, आप एक अच्छे व्यक्ति बन चुके होंगे। तो काय के प्रति जागृति निर्माण करना, काय को समझना, काय के स्थिति को समझना कि शरीर बचपन में कैसा था, जवानी में कैसा है, बुढ़ापे में कैसा होगा, इसकी क्या गति होने वाली है, उसकी अनित्यता के बारे में जानना। काय की अनित्यता पर जब आप जान जाओगे, काय की अनित्यता, तब उसके प्रति जो मूढ़ता है वो छूट जाएगी और संसार के अनित्यता का आपको पता चलेगा कि मेरा शरीर ही जब परमानेंट नहीं है तो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। तो आपका अहंकार ऐसा ही गिर जाएगा जैसे एक पत्ते के ऊपर पानी की बूंदे, जब प्लेन पत्ता है उसके ऊपर पानी की बूंदे गिरे और वो चली गई, बूंद गिर गई चली गई, अहंकार ऐसे ही गिर जाएगा।
आपके अंदर से मैत्री का उद्गम होना शुरू हो जाएगा और आप शरीर के पार वाले घटनाक्रम को देखना शुरू करोगे। आपको दिखेगा, क्योंकि शरीर के बंधनों से जब आप टूटना शुरू हो जाओगे तब आपको आपके अंदर से हैप्पीनेस दिखना शुरू होगा और आपको लगेगा मैं शरीर नहीं हूं, ये आपको दिखेगा। और तब दिखेगा जब आप उस बंधनों को तोड़ोगे। उसको तोड़ने के लिए आपके शरीर के अंदर में वेदना आएगी। आपको किसी ने अगर खुश कर दिया तो आप खूब आनंदित हो जाते हो, दुखी कर दिया तो आप दुखी हो जाते हो या आप शिथिल रहते हो। तीनों प्रकार की वेदनाएं आपके अंदर में होती। तीनों वेदनाओं को जानो। जब वेदनाओं को जानना शुरू करोगे, किसी ने आपको गाली भी दे दी तो भी आप एकदम से अविचलित नहीं होंगे, क्योंकि आपने वेदना जान लिया। किसी ने एकदम से प्रशंसा की तो आप एकदम से प्रफुल्लित नहीं हो जाओगे, या किसी ने ऐसा की तो आप ऐसे ही नहीं हो जाओगे निठल्ले टाइप के। हाँ, कुछ आप एक भयांश व्यक्ति रहोगे, जागृत। आपको कोई वेदनाओं से प्रभाव नहीं होगा। आप एक बैलेंस व्यक्ति रहोगे। वो बैलेंस कैसे? समुंदर के जैसे। फिर आती चित्तानुपस्सना। चित्त बहुत बड़ी चीज है। चित्त बहुत बड़ी चीज है। जितनी बुराई हमारा शत्रु हमारी नहीं कर सकता, उससे बुरा काम हमारा लिए चित्त करता है। ये बात ध्यान रखना। वो जितनी भलाई आपके माता पिता रिश्तेदार नहीं कर सकते, उससे ज्यादा भलाई आपका चित्त आपके लिए कर सकता है। शत्रु से भी ज्यादा शत्रुतापूर्वक कारभार चित्त कर सकता है, और मित्रों से भी ज्यादा अच्छा काम आपके लिए चित्त कर सकता है। चित्त बहुत पावरफुल चीज है। और इस भारत के अंदर में जो गुलाम बनाने का जो प्रयोग लोगों ने जो शुरू किया, आपके चित्त को गुलाम करके ही किया, चित्त को गलत प्रोग्रामिंग डाल के ही किया। ये जो फ्री फोकट में लोग भंडारे वंडारे करते रहते, उटपटांग टाइप की बातें करते रहते, आपके चित्त को रीप्रोग्रामिंग करने के लिए करते। आपको अनसन कहानियां बताते रहते, कल्पनाश्रित कहानियां बताते रहते और उसके ऊपर कोई पुरावा नहीं देते। ये किस लिए करते? आपके चित्त को गुलाम बनाने के लिए करते, कि आपका चित्त उनके प्रोग्राम से प्रोग्रामित हो जाए और आप उनके बंधन में जकड़ जाए। आपको चित्त को मुक्त करना है इन गलत चीजों से। आपको चित्त का कमांड संभालना है। आप अपना स्वामी आप बनना है। आपको अपने चित्त को प्रोग्राम देना सीखना है। इसलिए आपके दिमाग से ये बात बिल्कुल निकल जानी चाहिए कि वर्ण व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। ये आपके चित्त के अंदर पड़ा हुआ एक मैल है। जाति व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया के अंदर में। ये आपके चित्त के अंदर पड़ा हुआ मैल है। और कोई भी साहित्य अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। उसका विश्लेषण करने का अधिकार आपको है। आपको आपके अंदर में वो सारी क्षमता है सत्य और असत्य जानने की। आपका उसका उपयोग करना है, उसका प्रयोग करना है। तो इस प्रकार चित्तानुपस्सना होगी। और चित्त को जब आप देखोगे कि चित्त की दौड़ कैसी है, चित्त किस प्रकार से भागता है, एकदम से भागता है, चित्त को आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि चित्त की गति क्या है। चित्त को आप समझोगे, चित्त भावना में काम करता है। चित्त के अंदर भावनाएं पड़ी है, चित्त के अंदर स्वाद पड़ा हुआ है। बचपन में अगर आपकी मम्मी ने आपको कहीं से कोई अच्छा फल ला के दिया होगा, आपको गैया का दूध पिलाया होगा, उसका स्वाद अगर आप टच करना चाहते तो भी टच कर सकते हो। आप अगर मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड उस लेवल पर जाने के लिए कहूँ तो आप अपने मम्मी के गोदी में बैठे थे और जो आपको मजा आ रहा था, तो आप फीलिंग ले सकते हो, उस लेवल पे जा सकते हो। चित्त के अंदर में वो फीलिंग भी भरी पड़ी है। चित्त बहुत पावरफुल चीज है। वहां से चित्र क्रिएशन करता है। चित्त के अंदर में बहुत सारा क्रिएटिविटी काम, सारी चीज बहुत पावरफुल है चित्त। और जितनी दुर्घटनाएं लोगों के साथ गलत घटनाएं होती है, चित्त की विक्षिप्त होने के कारण होती। चित्त गलत रास्ते पे जाता, विक्षिप्त होता है तो लोग पागल हो जाते। तो उसके पागलपन को दुरुस्त करने का क्या तरीका है? उसके विकसित चित्त को ठीक ढंग से लाना। इसलिए कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आप शांत कमरे में बैठ जाए, मोमबत्ती जला ले और जैसे देखते रहे, किसी अच्छे धार्मिक वचनों को आप सुनते रहे, अच्छे वाद्य बांसुरी के वादन को सुनते रहे, अच्छा एक वातावरण निर्माण करें। तो ये सुसंगति होती है। संगति होती है काय के लिए होती है? आपके चित्त के अंदर में पड़े हुए मैल को दुरुस्त करने के लिए होती। तो ये चित्तानुपस्सना बहुत बड़ा काम करती। तो चित्त के प्रति ये करना है। चित्त किस स्थिति में है, क्या है, ये आपको पता चलना चाहिए, है ना? चित्त की स्थिति क्या है, अभी किस प्रकार लेवल पे हमारा चित्त है, ये सब जानकारी। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये हर दिन करने वाली बात है। आपके प्रैक्टिकली करने की बात है।
जैसे आप पहले दिन साइकिल चलाते हो तो आपको डर लगता है, लेकिन दूसरे दिन चलाते हो, तीसरे दिन चलाते हो, ऐसी चित्त पर आपकी धीरे धीरे कमांड बन जाएगी, तो एक आदत हो जाएगी, आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। इतना पहले दिन कठिन लगेगा, लेकिन धीरे 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 ये आप उस रास्ते पर जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर किसी समय अगर आप ध्यान करने के लिए बोलते हो तो अपन कोई कार्यशाला भी ले सकते हैं इस बारे में, ऐसे कुछ नहीं है, है ना। बाकी आप भी उतने ही जानकार हैं जितना मैं हूँ, आप भी सारी चीज़ों को जान सकते हो। मैं बहुत सिंपल सिंपल भाषा में आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। फिर धम्मानुपश्यना, धम्मानुपश्यना, धम्मानुपश्यना के अंदर में क्या आता है? धम्म, धम्म के अंदर में सबसे पहले तो आता है कि अष्टांगिक मार्ग को समझना। धम्मानुपश्यना के अंदर में आता है 37 बोधिपक्षीय धम्म, 37 बोधिपक्षीय धम्म, उसको समझना। धम्म और अधम्म को समझना, धम्म क्या और अधम्म क्या और सद्धम्म क्या है, धम्म और कहाँ पर किस धम्म का उपयोग करना है। धम्म का मतलब आचरण, धम्म का मतलब सिद्धांत, धम्म का मतलब है प्राकृतिक नियम, कहाँ पर कौन सा। अगर आपको मान के चलिए कि अंदर से क्रोध आ गया तो क्रोध को कैसे जीतना है, शांति से जीतना है, ये क्या है, ये धम्म है ना। आप बेहोश हो, आलस में हो, अब आलस को जीतना है तो आपको क्या करना है, अपने आप को आलस से हटाने के आप प्रयत्नशील होना है। जैसे आप प्रयत्नशील हो जाए आलस हटना शुरू हो जाए, है ना। आप कहीं समझ में नहीं आ रही कोई बात तो पॉजिटिव थॉट देना, ये धम्म है। धम्म का आचरण एक प्रैक्टिकली है आपके दुख से मुक्ति के लिए। ये शरीर, आपका शरीर वाहन जैसा है, इसमें पढ़ना भी है, समझना भी है, ध्यान भी करना है, तीनों स्टेप पे रहना है। यहाँ पर किसी का विरोध नहीं करना, पढ़ना भी बहुत जरूरी है क्योंकि पढ़ने से आपको ज्ञान होगा, पढ़ने फिर उसका विश्लेषण करना है, विश्लेषण करने के लिए आपके पास में सारी बुद्धि है, प्रज्ञा है, ज्ञान है, उसको सही और गलत का आकलन है, और वो अवेयरनेस की स्थिति में आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और उसको कुछ चीज़ें ध्यान के माध्यम से आएगी, कुछ चीज़ें पढ़ने उससे नहीं आएगा, कुछ थर्ड चीज़ ध्यान भी होता है, क्योंकि कुछ चीज़ों का विश्लेषण करना होगा चित्त के माध्यम से। जब आपकी प्रज्ञा पावरफुल होगी, प्रज्ञा कैसे काम करती है, प्रज्ञा है ना, शमत और विपश्यना, ऐसे दो शब्द आते हैं। विपश्यना काय के लिए होती है, विपश्यना प्रज्ञा प्राप्ति के लिए, समत यानी शांति, चित्त की शांति कैसे होती है, प्रज्ञा के माध्यम से। ज्ञान जब आपको मिलता है तो आपके अंदर का जो कूड़ा करकट खत्म हो जाता है, तो शमत यानी चित्त की शांति होती है। तो शमत और विपश्यना ये दो विद्यापक्षीय धम्म है, एक धम्म का एक अंग है विपश्यना, है ना, पूर्ण धम्म नहीं है, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे पूर्ण धम्म नहीं, एक अंग है। विपश्यना यानी देखना, कैसे देखना, विटनेस से देखना, वहां पे जुड़ना नहीं, घटाना नहीं, आती जाती श्वास को देखना है। मुझे निब्बान की प्राप्ति हो जाए ऐसे नहीं, मुझे निब्बान के दर्शन करना है, साक्षात्कार करना है, ऐसा साक्षात्कार करना बोलना भी नहीं है, साक्षात्कार हो जाएगा अगर आप मार्ग से जाते, जब शरीर से तादात्म्य छूट जाएगा, जब इंद्रियों से आप छूट जाओगे, जब लोकोत्तर तरफ जाओगे, इन संसार से परे हो जाओगे, तब आपको उन एनलाइटमेंट एरिया का दर्शन होगा, उस हाईएस्ट हैप्पीनेस के लेवल का दर्शन होगा, और वही मुक्त है, वही मुक्ति अर्हत, अर्हत जो व्यक्ति है जिसने अपने अंदर से सारे शत्रुओं को हरा दिया है, गायब कर दिया। फिर भी आपके अंदर कहीं नहीं कहीं से डाउट रहेगा, अविश्वास रहेगा, क्या वाकई निब्बान का एरिया, क्या तथागत वाकई हुए, क्या तथागत ने वाकई ज्ञान प्राप्त किया, उसके लिए सम्यक समाधि है। और सम्यक समाधि के चारों ध्यानों की स्टेज है, और चारों ध्यानों की स्टेज भी ये प्रैक्टिकली है, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव तर्क, पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव तर्क देना है, एनालिसिस कर, उसके बाद एक एक स्टेप पर बढ़ना है। फिर विचार रह जाएंगे, तर्क भी की जरूरत नहीं रहेगी ना, तर्क रहेंगे विचार रहेंगे। एक समय आएगा तर्क को भी छोड़ देंगे, विचारों को भी छोड़ देंगे, फिर विटनेस बन जाएंगे। विटनेस बनते बनते आप एकदम से सच्चाई को देखोगे, आपके अंदर से आप देखोगे, आई विटनेस बन जाओगे, है ना। तो एक एक कदम से आप आगे जाओगे, चेतना को देखोगे, सारी चीज़, तो एक एक ध्यान की एक अवस्था है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ की चेतावनी दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ को लिए आपको पॉजिटिव रहना है और सॉल्यूशन वाइज रहना है। आपके ब्रेन के अंदर ताकत है, आपके अंदर में बहुत ताकत है, आपके अंदर में बहुत सारी शक्तियाँ भरी है, और 37 बोधिपक्षीय धम्म इसको भी समझना है, उसको भी समझना है। और इसके लिए अलग से क्लासेस की ज़रूरत होती है, जो अगर आप कभी कहेंगे तो मैं आपके लिए लूँगा, और उसको बढ़ाकर हम अपनी विद्वत्ता को तैयार करेंगे। तो भारत के अंदर से जो वैज्ञानिक परंपरा धीरे धीरे विलुप्त हो गई थी, खासतौर के धम्म के बारे में, तो विद्वानों की परंपराओं को हमको निर्माण करना है। यहाँ से
जो अर्हत बनने की जो परंपरा है जो बंद हो गई है, जो लोगों को जानकारी नहीं है कि तथागत उस समय कोई भिक्षु को अर्हत पद प्राप्त होता था तो बड़ा उत्सव मनाते थे और सारे भिक्षुओं के साथ घोषणा करते थे कि इन्होंने आज अर्हत पद की प्राप्ति की है। कहते थे कि मेरे संघ के अंदर में कम से कम हर भिक्षु तो श्रोतापन्न की अवस्था में है, स्रोत के अंदर तो आया है, उसकी तो मुक्ति होनी होनी है। आज हम मुक्ति को भूल गए। हम याद करते हैं कि कोई मंदिरों के दर्शन कर रहा है, कोई चारों धाम की यात्रा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आजकल अनसन अनबड़न कथाकार कहानियों का बाबाओं का एक जुमला आ गया है जो खूब पाठ करने में लगे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करने में लगे हैं, क्योंकि एक व्यवसाय बन गया, धर्म भी बड़ा व्यवसाय बन गया। सारे मंदिरों के अंदर में खजाने में रुपये लगे पड़े हैं, लेकिन जनता पर कोई विपत्ता आती, आपत्ति आती, तो खजाने ही बाहर नहीं निकलता। कोरोना के समय में लोगों के लिए बहुत सारे मंदिरों के खजाने, धार्मिक संस्थानों के खजाने ही बाहर नहीं निकले थे, बल्कि उल्टा हो रहा था। वही सरकार से डिमांड कर रहे थे, मुझे वेतन दो, पुजारी ये बोल रहे थे। तो हम लोगों ने धर्म का मतलब कुछ अलग समझ के रखा। धर्म का मतलब है लोगों के कल्याण के लिए उपयोगी, शिक्षा के केंद्र धर्म को खोलना चाहिए, चिकित्सालय खोलना चाहिए, रिसर्च सेंटर खोलना चाहिए, लाइब्रेरी खोलना चाहिए। धर्म का काम ये है ना, एक देश को बहुत उन्नतिशील बनाना है। एक ब्रेन को, जो ब्रेन आज केवल 100 रुपये दिहाड़ी की मजदूरी खोता है, 200, उसको इतना विद्वान बनाना है कि विश्व के अंदर में वो पेटेंट करे, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करे, करोड़ों रुपया कमाए और देश को बहुत सारा टैक्स दे, है ना। जब विद्वान होगा तो ही तो दान देगा, टैक्स के रूप में दान दे, है ना। यहाँ पर तो जबरदस्ती वसूली का काम चल रहा है, वो नहीं। आपको धम्म के रास्ते पर आना जरूरी है। तो बाबा साहब ने जो रास्ता दिया है बहुत बड़ा रास्ता है। तो मैं आपको जो बोलना चाह रहा था कि सम्राट अशोक, देवनाप्रिय सम्राट अशोक, इनकी विजयादशमी आज के दिन इन्होंने धम्म की दीक्षा दी थी और धम्म के लिए काम करना शुरू कर दिया था, धम्म को समझना शुरू किया था। इसके कारण भारत के अंदर में बहुत बड़ी उन्नति हुई और बाबा साहब ने भी धम्म का एक जो स्तंभ है बड़े पैमाने पर नागपुर के दीक्षाभूमि पर 1956 में, 14 अक्टूबर 1956 में इसी दिन स्तंभ, ऐसा पुख्ता स्तंभ डाल दिया कि उसका हिलाना इतना आसान नहीं है और इसकी उन्नति करने का काम हम सबको करने की ज़रूरत है। तो बाबा साहब की द्वारा दी गई धम्म दीक्षा और सम्राट अशोक के धम्म परिवर्तन, धम्म दीक्षा और तथागत ने जो इतना मार्ग दिया, इस खुशी के अंदर में हम अपने आप को प्रफुल्लित करें और अशोक विजयादशमी की, सम्राट अशोक के विजयादशमी और बाबा साहब के 14 अक्टूबर 1956 के धम्म दीक्षा समारोह के उपलक्ष्य में आप सभी धम्म प्रेमियों को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु।